75 डेज हार्ड चैलेंज डे 64। इस 75 डेज जर्नी के दौरान हमने ये तो सीख लिया है कि प्लानर बनना बहुत जरूरी है। अगर आपने दिन की शुरुआत से पहले स्केड्यूल नहीं बनाया है तो आपका दिन वैसा एग्जीक्यूट नहीं होगा जैसा आप चाह रहे हो, तो इसलिए स्केड्यूल बना लेना जरूरी है। 7 बजे से हमारी वॉक स्टार्ट कर देते हैं 4 किलोमीटर की, फिर घर पर आकर बची हुई एक्सरसाइजेस करने के बाद दूध बादाम ले लेते हैं, लंच के समय पर लंच कर लेते हैं हंसते मुस्कुराते हुए, और ये रही हमारी आज की सेल्फी। शाम को कर लेते हैं हम दिन का दूसरा वर्कआउट। शाम तो नहीं, रात हो ही गई थी ऑलमोस्ट। एक्सरसाइजेस में हम सबसे पहले वार्म अप कर लेते हैं, नेक एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, जंप, अल्टरनेट टोटल, स्क्वाट्स, प्लैंक, कार्डियो, किकबॉक्सिंग, तो इस तरह से पूरा जो वर्कआउट है वो ओवर हो जाता है। फिर हम बुक रीडिंग वाला टास्क कर लेते हैं, डिनर कर लेते हैं और करते हैं हमारा फेवरेट काम यानी कि डे चार्ट पर क्रॉस लगाना। तो इस तरह से 75 डेज हार्ड चैलेंज के डे 64 के सारे टास्क बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाते हैं। तो अब बचते हमारे 11 डेज, और अगर आप भी इस जर्नी का पार्ट बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, थैंक यू।